हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे डिज़ाइनर लटकन, जो कि हम आलिया कट कुर्ती के लिए तैयार करेंगे। और ये लटकन बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में, तो आप इस तरह के लटकन एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पहले से दो लटकन बना के रेडी किए थे, और अभी हम आपको इस फैब्रिक से दो लटकन बना के बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप आराम से इस तरह के लटकन बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे कुर्ती के लिए भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के 6 पीस लिए हैं इस तरह से, और अभी हमने इसकी जो विड्थ ली है वो हम यहाँ पर 4.5 इंच पे ली है, और लेंथ भी हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर ली है। सेम साइज़ के हमने यहाँ पर 6 पीस कट किए हैं, और अभी हमने जो डोरी ली है उसकी लेंथ हमने यहाँ पे 15 इंच पे ली है। अब आपके हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में हमें इस तरह से फैब्रिक को रख देना है, तो जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर से अभी हमें इस कोने से लेकर यहाँ पर इसकी गोलाई में इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे, तो इस तरह से इसका शेप बन जाएगा। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी क्या करना है कि इस तरह से 4 फोल्ड में रख देना है, और इस तरह से बराबर से इसे हम 4 फोल्ड में बिछा देंगे, और इसको इससे साइड से इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम इसे गोलाई में कट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो इस तरह से। सेम हमें दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है, और इसे भी हमें गोलाई में कट कर लेना है। ये लटकन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने 3 पीस को इस तरह से कट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर अभी हम आपको सिलाई लगा के बता रहे हैं कि आपको किस तरह से सिलाई लगाना है। तो आप सेम इसी तरह से आपको सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, अभी हमें बीच से इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसे कट कर लेना है बराबर से। अभी हमने इसे कट कर लिया है, और जहां हमने सिलाई लगाई थी वहां हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है, ताकि ये फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो यहां पर अभी इसे इस तरह से पलट देना है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी क्या करना है कि इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो इसे ब्लाउज़ के लिए भी लटकन बना सकते हो, या कुर्ती के लिए बना सकते हो, या छोटे बेबी के फ्रॉक के लिए बना सकते हो। आप इसे किस भी डिज़ाइन के साथ बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है ये लटकन बनाने में। तो यहाँ पर अभी हमने सिलाई लगा दी है, और अभी हम इसे बीच से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बराबर से बीच से कट कर लेंगे। और अभी हम साइड में इसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि ये फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो यहाँ पर हम सभी इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे, और इसे इस तरह से गोलाई में पलट देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको इसको इस तरह से पलट देना है। अभी हमें क्या करना है, एक डोरी लेना है और उसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम किस तरह से की डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से इसको रखकर यहाँ पर हमें सिंपली सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से ये ओपन है वहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है, और अभी हम इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हो सुंदर से डिज़ाइन बनके तैयार हो रही है। और जो दूसरे वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर से हमें 1 इंच पे इस तरह से छोड़ देना है और डोरी को, और यहाँ पर से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग के लिए डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी इस तरह से सिलाई लगाकर इसे भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, और इस तरह से पलट देना है। तो अभी हमें सेम तीसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से रख कर 1 इंच छोड़ के डोरी को यहाँ से इस पर सिलाई लगा देना है। तो यहाँ से अभी हम इस तरह से इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर कर इसे पलट देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लटकन बन जाएंगी। सेम हमें दूसरे डोरी में भी इसी तरह से फैब्रिक को अटैच करना है, जिस तरह से हमने आपको पहले इसमें बताया है। तो यहाँ पर दोनों लटकन तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने दोनों लटकन तैयार कर लिया है और अभी हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसे पकड़ के यहाँ पर फिटिंग के लिए सिलाई लगा देनी है और अभी हम आपको इसको तैयार करके बताएंगे। तो यहाँ पर से अभी ये रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल से लटकन बन के तैयार हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।